मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में विभिन्न मुद्दों पर सीधे बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। कोरोना में के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में बनी हुई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 8 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 13 है। संक्रमण दर हमारी 0.01% की बनी हुई है, जबकि ठीक होने की दर स्थिर हमारी है 98.6। 134 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के कुल बचे हैं। कल सैंपल लेने की संख्या हमारी 64,932 थी। आतंकी कहीं भी पकड़े जाएं, मध्य प्रदेश हमेशा इस बात पर अलर्ट मोड पर ही रहता है कि मध्य प्रदेश में आतंक की गतिविधि हो, नक्सलाइट गतिविधि हो, सिमी की गतिविधि हो, इस तरह की जो भी संगठित अपराध की गतिविधियां हैं, हम उन पर नज़र रखें और कंट्रोल में रखें। अच्छा, राहुल बाबा ने कभी ये कहा कि जो कश्मीरी पंडितों की संपत्ति पर जिनने कब्जा किया था वो वापस दिला देंगे? नहीं, ये ऐसे ही पंडित हैं। धन्यवाद है वो तो मोदी जी का कि राहुल बाबा वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ममता बनर्जी दुर्गा का मंत्र पढ़ रही हैं और मायावती की मंच से स्वस्ति वाचन हो रहा है। ये परिवर्तन है मोदी जी के आने के बाद देश का। देखो आप, शिवराज जी कार्रवाई कर रहे हैं, कलाकारी तो कमलनाथ जी ने की थी कि 2,00,000 रुपये 10 दिन में माफ हो जाएंगे, और एक का भी नहीं हुआ। ये थी कलाकारी जो राहुल बाबा कर गए थे। कलाकारी ये थी कि 4,000 रुपया महीना नौजवान को बेरोजगारी भत्ता हर महीने घर बैठे देंगे, और एक को भी नहीं दिया। ये होती है कलाकारी। जनता के बीच कभी जाएं तो पता चले, घर पर बैठ के ट्विटर बाबा ट्विटर पर अगर काम करेंगे तो इन्हें क्या समझ में आएगा? वो पोस्टर कहाँ का है कांग्रेस, यही तो बता दें। विदेशी पोस्टर है वो। दरअसल मध्य प्रदेश को बदनाम करने का कोई अवसर छोड़ते नहीं है ये। महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी ही थे, जो कोरोना का वारियंट आया था उसे इंडियन वारियंट कहने वाले कमलनाथ जी ही थे। पाकिस्तान के पुल में दरार थी उसको हिंदुस्तान में भोपाल का पुल बताने वाले दिग्विजय सिंह ही थे। मुर्दों से बातचीत सुनने वाले हमारे कमलनाथ जी ही थे, जो कब्रिस्तान में मुर्दों की बातचीत जिनने कोरोना काल में सुन ली थी। ऐसे ही ये फोटो भी, विदेश का फोटो उन्होंने अपने ट्वीट पे लगाया है। ये मध्य प्रदेश को बदनाम करने की जो कुत्सित कोसित कांग्रेस कर रही है, ये निंदनीय है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।